टाइगर क्या क्या ब्रीफ मिले थे इस गाने को लेकर रेमो सर से आपको? ब्रीफ जी बहुत पहले की बात है, पर कुल मिला के बस ऑब्वियसली एक सुपर हीरो किरदार है जो मैं करना चाहता था स्टार्ट से. इट वॉज़ टचिंग अपॉन बहुत अहम मैसेजेस है इसमें नेचर को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर. सो दैट वाज़ अनदर वेरी वैलिड पॉइंट रेमो सर वांट्स टू एक्सप्रेस, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट इन दिस फिल्म. एंड बहुत ही मेरा कैरेक्टर बहुत आई रियली रिलेटेड टू माय कैरेक्टर, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लड़का है, बहुत नॉर्मल सा लड़का है. माँ से डरता है, यू नो, ही एक अलग किस्म का सुपर हीरो है. पावर्स, व्हाटएवर पावर्स ही गेट्स, ही कैन फ्लाई, पर ऊंचाइयों से डरता है. ही इज स्केयर्ड ऑफ फाइटिंग, तो दैट्स व्हाई आई लाइक हिम. ही इज वेरी नॉर्मल, बहुत वेरी ह्यूमन सुपर हीरो मेरे हिसाब से. एंड दैट्स द ब्रीफ रेमो सर गिवन मी. रेमो सर, आपसे और टाइगर दोनों से बारी बारी से सवाल है कि कार्टून्स का बहुत, बच्चे बहुत फैंस हैं टाइगर के, तो बच्चों पे कार्टून्स का बहुत गलत इम्पैक्ट आजकल पड़ रहा है, आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? मुझे नहीं पता कौन से कार्टून गलत होते हैं, बट और ये सारी चीज़ें जी ठीक है. अच्छा, बट I saw Scooby-Doo and I never found anything wrong with Scooby-Doo. So बहुत I don't know क्या एक सर्वे आया है उसमें बोल रहे हैं कि बच्चों के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है. पहले के कार्टून जो मोगली होते थे वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते थे, लेकिन जो आज के कार्टून है वो अलग इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो उसके बारे में I don't know. मैंने तो ऐसे कोई कार्टून देखे नहीं है तो मैं शायद इस पर वो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ जो मैंने देखे हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, let's move on. Let's, yeah. Jacqueline always keeps on saying that you are a good dancer. So did you teach any steps to Jacqueline on how is it, dancing with Jacqueline? Bilkul nahi. I think both of us are decent dancers, but we have the dance master with us. So the dance master is teaching both of us. Par bahut hi mehnati ladki hai, bahut hi inspiring actress hai. I think saath mein mehnat kar rahe the and उनकी जो स्टेप्स थे वो काफ़ी अलग थे मेरे से, तो आई थिंक यू नो दैट वी वाज जस्ट लॉट ऑफ गिव एंड टेक. इट्स नॉट लाइक वी हैड द सेम स्टेप्स अदर देन द हुक स्टेप. एंड वेयर वी वेंट रॉन्ग वी हैड रेमो सर एंड हिज कोरियोग्राफर्स हेल्पिंग अस. हालांकि हम लोग बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं सिनेमा के मामले में अगर पूछा जाए, हॉलीवुड में भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इंडिया में फिल्में बनती हैं इस तरह की सुपर हिट, तो कोई अप्रिशिएशन आपके मन में ऐसा था कि उस स्टैंडर्ड को मैं मैच नहीं कर पाऊंगा, कोई डाउट्स थे, सेल्फ डाउट्स थे? और दूसरा सवाल कि ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि सुपर हीरो फिल्म बनाना है डांस की, जो दो फिल्में आपने बनाई उसके बाद? तो ये दो सवाल थे. नहीं, बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर. मेरे को मालूम था डे वन से, मुझे पता था कि मुझे एक सुपर हीरो मूवी बनानी है और मुझे वो हिंदुस्तानी सुपर हीरो मूवी बनानी है, ना ही मुझे कोई हॉलीवुड का कोई कैरेक्टर है जहाँ मेरे को कॉपी करना है या मुझे वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिला, कुछ नहीं. मेरे पहले से था कि अगर मैंने डांस फिल्म बनाई है जो उस लेवल की बना सकता हूँ तो मैं सुपर हीरो वाली मूवी बना सकता हूँ जो उस लेवल की बना सकता हूँ. सो पहले दिन से ही मेरे दिमाग में था कि यस, एक हिंदुस्तानी सुपर हीरो वाली मूवी बनाएंगे और वो यहाँ का सुपर हीरो होगा और हमारा सुपर हीरो होगा. सो यस, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं वहाँ की, वहाँ के बजट अलग होते हैं, हमारी बजट अलग थी, लेकिन ये जो फिल्म थी इसका जो रिक्वायरमेंट था उतना बजट था हमारे पास, तो हमने एकदम सही तरीके से बनाई है इसको. टाइगर, कोई रेफरेंस पॉइंट लिया आपने जब आप इस फिल्म इस रोल को अदा कर रहे थे? कोई रेफरेंस पॉइंट आपका था, कहाँ से इंस्पिरेशन लिया? एक अलग तरह का किरदार, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ. डिफिकल्ट मोमेंट कब था जब आप फिल्म शूट कर रहे थे? कोई डिफिकल्ट मोमेंट जो आप बता सकें? मुझे पूछ रहे हो? आप दोनों को. मेरे लिए जब भी मैं नेथन जोन से लड़ रहा था एक्शन सीक्वेंसेस में, वो हमेशा मुश्किल होता था मेरे लिए, पर एन एक्सपीरियंस. वो आपका डिफिकल्ट मोमेंट? आई थिंक ऑलमोस्ट सारे जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं बहुत ही डिफिकल्ट हुए हैं दोनों के लिए, टाइगर के लिए भी और नेथन के लिए भी, क्योंकि दिखने में तो बहुत ही सिंपल दिखता है लेकिन वो ऑल द टाइम हार्नेस में रहते हैं, तो सारे एक्शन सीक्वेंसेस आई थिंक बहुत डिफिकल्ट. रेमो सर, टाइगर, aren't you all missing Jacqueline besides her? Yeah, we are. But she's here. And you, Tiger? I was with her the whole day. Yeah. And I'll see you tomorrow again. So, yeah. But Remo, so what does basically beat pe booty means? But what does it mean to you, Pe? For me? Yeah. Personally. Play the music, it's just
beat and booty. But just Tiger, can you move. Say that it's a perfect combination of both? One, a superhero, second is a good dancer. So what do you want to share on stage for now, for Remo sir? Sorry, I didn't get you. Mixture of two. You've been a superhero also and he's a director for dance also. So it's a mixture of all in one. So that's amazing, na? That means you can see ABCD and you can see a superhero film. Matlab picture super hit. That's exactly. So ye bhi 3D mein bana lete, because you have done ABCD also in 3D, so this also could have yes, been in 3D. Yes, I wanted to. I'm not saying that mere dimag mein nahi aaya tha. Of course, we all started off making, when we started, we thought ki ye wale bhi hum 3D mein banayenge, but there was, because this was a new genre, I was touching action and all this stuff, so I said ki, I'll make this one and inshallah, maybe the sequel will be in 3D. But Remo sir, is Hollywood the only benchmark for Bollywood stars? I don't think so. I saw, because one of the privileges of doing an event like this is that I get to see the video first, right? So I want to just, can you teach me that step? What is the step, Remo sir? I mean, or Tiger, whoever's the less strict teacher. Aap sikha do sir step. We'll teach you the easier one. Okay. So all you have to do is beat pe booty. On beat, you have to just tap this. Pe booty, you have to show your booty. So okay. This is the step to show your booty. Okay. Beat pe booty, beat pe booty. That's it. And what is this? Yeah. I don't know. So this one. Dun, 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 dun. I'm really confused right now. Okay. I think we'll leave the dancing to you guys. Please give them a huge round of applause firstly. Fantastic.